हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बटर मुरक्को की रेसिपी। यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्ट में लाजवाब है और यह टेस्ट के साथ साथ बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और इसे आप काफी लंबे समय तक के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मुरक्को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पफ चना दाल, इसे फुटाना या दलिया भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर हाफ कप पफ चना दाल ली है और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि इसमें बिल्कुल भी दाल नहीं होना चाहिए, इसका हमें एकदम फाइन पाउडर बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बेसन की तरह हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन लेंगे या कोई बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप ग्राइंड किए हुए पफ चना दाल का पाउडर और साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर, 1/4 चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच तिल और नमक स्वादानुसार, पर मैं इसमें 1 छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक यूज़ कर रही हूँ। अब हम इन चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि इसमें 2 बड़े चम्मच से ज़्यादा बटर यूज़ ना करें, नहीं तो जो हमारे मुरक्को है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयली और बटरी लगेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखें कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, क्योंकि ये चावल का आटा है, इसमें अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे ना तो ये एकदम से गीला हो जाएगा, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक सॉफ्ट डो बनाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनकर रेडी है। इस तरीके से हमें सॉफ्ट डो बनाना है और इस डो को बनाने में मुझे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। अब हम चकली मेकर लेंगे और उसमें स्टार वाला जो चकली का साँचा आता है ना, वो डाल देंगे और इसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हाथों में थोड़ा सा बटर या ऑयल लगाकर डो में से बड़ी सी लोई लेकर उसे चकली मेकर में डाल उसे ऊपर तक अच्छे से भर लेंगे। अब हम चकली मेकर का लीड लगा के इससे चकलियां बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी स्मूथली चकलियां बन रही है। इस तरीके से आप चकली का डिजाइन देकर चकली बना सकते हैं, पर मैं आज इससे पहले चकली का डिजाइन ना बनाकर इसे डायरेक्ट ऑयल में डालकर बनाऊंगी। अब हम एक पैन में चकलियों को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। ऑयल हमारा बहुत गरम भी नहीं होना चाहिए तो ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऑयल में मैंने चकली के छोटे छोटे से पीस डाले हैं। एक वीडियो में चकली के पीस में धीरे धीरे बबल आ रहे हैं, ऐसा ऑयल हमें बिल्कुल भी गर्म नहीं चाहिए। वहीं दूसरे वीडियो में चकली का पीस ऑयल में डालते से ही ऊपर आ गया है, इतना ऑयल हमें गर्म चाहिए। अब हम ऑयल में इस तरीके से घुमाते हुए किसी भी शेप का मुरक्को बना लेंगे और ध्यान रखें कि गैस की जो फ्लेम है उसे मीडियम ही रखना है, नहीं तो हमारे जो मुरक्को है ना, उसमें ऊपर से कलर आ जाएगा पर वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसी तरीके से हम इसे अलट पलट करते हुए इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इतना हम इसे पकाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऑयल में बबल कम हो गए हैं, इसका मतलब हमारे मुरक्को अच्छे से कुक हो गए हैं और मुरक्को का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख मुरक्को को उस पर निकाल लेंगे और जो चकली के डिजाइन के मुरक्को बनाए थे उसे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चकली के डिजाइन के भी मुरक्को कितने बढ़िया बने हैं, कितना बढ़िया कलर आया है इनका भी। इसी तरीके से हम हमारे सारे मुरक्को बनाकर रेडी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये मुरक्को फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको शाम की चाय के साथ खाने के लिए बनाना हो या सफर में ले जाने के लिए बनाना हो, ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इसे 10 से 15 दिन तक के स्टोर करके भी रख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मुरक्को बनाकर रेडी कर लिए हैं। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी क्रिस्पी मुरक्को बनकर रेडी हैं। देखिए मुरक्को कितने बढ़िया खस्ता और क्रिस्पी बने हैं और इनका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।